नमस्कार, रफ्तार के खास सेगमेंट राम मंदिर आंदोलन के साक्षी में आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं राम टहल चौधरी, जो कि पूर्व सांसद हैं रांची के। राम टहल चौधरी जी उन लोगों में हैं, जब बीजेपी नहीं थी तब राम टहल चौधरी थे, जब जनसंघ दल था तब राम टहल चौधरी थे, और उस दौर में दो बार के विधायक थे। जनसंघ की ओर से चुनिंदा जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि अभी जीवित हैं भारत में, उनमें से एक हैं राम टहल चौधरी जी। 5 बार के सांसद रहे हैं, 2 बार के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और 2 बार के विधायक रहे हैं जनसंघ से, और जनसंघ से उसके बाद जब बीजेपी बनी उन तमाम सफर के साक्षी हैं, राम मंदिर आंदोलन के साक्षी हैं। आपका बहुत स्वागत है चौधरी साहब। आपका सफर उन बिरले लोगों में से है जब अटल जी, आडवाणी जी, आरएसएस के दौर में से जनसंघ का दौर होता था, वहां अपनी राजनीतिक यात्रा आरंभ कर रहे थे, आप तब के उनके सारथी रहे हैं, और उसके बाद से राम मंदिर के आंदोलन के बाद आज राम मंदिर बनने की ओर है। उस जनसंघ से लेकर अब तक की आपकी बड़ी यादें होंगी, और आज की बधाई आपको कि राम मंदिर बन रहा है। धन्यवाद। आपकी भूमिका कार सेवा के दौरान, राम मंदिर आंदोलन के दौरान, याद है आपको? बिल्कुल याद है। राम मंदिर जब एक झोपड़ीनुमा था जी, उस समय भी गए थे, कई बार आंदोलन हुए और उस आंदोलन में कई लोग अपना जान भी गंवाए, उस समय में हम लोग वहाँ मौजूद थे जी। और इस आंदोलन को धार देने वाले आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अटल जी, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह और एक विश्व हिंदू परिषद के अपने अशोक सिंघल जी को भूल गया, अशोक सिंघल जी जी, ऐसे लोग अगुवाई करते थे। और जो अपने जो आचार्य गण थे जी, उन लोग का बहुत आज जो कुछ बोल भी रहे हैं लोग कि साहब अधूरा मंदिर का शिलान्यास नहीं होना चाहिए जी, तो वो लोग रात दिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोर्ट कचहरी और अपनी पक्ष रखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहा है। और जहाँ तक डिसीजन हुआ, आज एकमात्र कोई कहे कि हमारे वजह से मंदिर बन रहा है ऐसी बात नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में या जो भी प्राइम मिनिस्टर वाला, हर लोग कोशिश किया कि बैठ के इस मामला को हल करें जी। कोई नहीं कर पाए, यहाँ तक कि मोदी जी भी नहीं कर पाए। एक ही आवाज़ उठता था सभी का कि जो कोर्ट से जो फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा, उस निर्णय को हम लोग सब मानेंगे। यही शब्द होता था और हर वर्ग, हर समाज, हर पार्टी के लोग एक ही बात बोलते थे। आज सौभाग्य से वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और कहीं किसी के तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठा, इसलिए कि सब लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, और उसको हम कहें कि हम ही किए ये अच्छा नहीं लगता है। इसमें सभी का सहयोग रहा, ठीक है, हम लोग आंदोलन किए, सब किए, आडवाणी जी पूरा देश का तरह किए, एक माहौल बनाए जी, वो ठीक है, मगर डिसीजन तो आखिर सुप्रीम कोर्ट से हुआ। और इसका आज नहीं तो कई 100 वर्षों से ये आंदोलन चल रहा था जी, राम जन्मभूमि लेकर के आंदोलन चल रहा था, युद्ध हुए, 146,000 से अधिक सैनिक मारे गए जब अक्रांता से तोड़ रहे थे। उसके बाद इसको बताया, इस बात को जो सच बात भी लोग आज नहीं बोलते हैं, इसका दरवाजा कौन खोला? राजीव गांधी ने खोला जी, उसको नहीं बोलते हैं, हम ही सिरे लेते हैं कि हम ही खोल। तो राजीव गांधी ने जब खोला तब हम उस पर आंदोलन का रूप दिए, उसको उसके बाद दिए। और आपको तो और भी याद होगा, आप राजीव गांधी के काल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जब पहली बार पता चला कि इस गुंबद के नीचे, जो बाबरी मस्जिद का गुंबद है उसके नीचे किसी मंदिर के निशान है, ये तो नेहरू जी के समय जमाने में पता चला। हाँ, उसी समय से, बहुत पहले से पता चला, और हर लोग इस पर कहे थे कि बरसों से, पूर्व के जो लोग भी थे प्रधानमंत्री जी, तो सभी लोग उसी समय से ये चर्चा चल रही थी, और सब तरह से इसका क्या कहते हैं
जांच पड़ताल या खुदाई का काम क्या है नीचे, तो उस समय से चल रहा था और उस समय मिला है सब लोगों को। यार राम जन्मभूमि को आज हम कहेंगे कि हम आज ला रहे हैं राम जी को, ये तो सबसे बड़ा भूल है। क्या बात है, अरे वहाँ तो स्थापित है राम जी आज हजार कब, जब अयोध्या और जब राजा दशरथ थे तब से वहाँ राम जी मतलब आप जो ये कह रहे हैं, जो बीजेपी के नारे लग रहे हैं ऑटो में, बसों में, गाड़ियों में, रैलियों में, हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आपका मतलब ये कि राम को बीजेपी वाले नहीं लाए हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि राम तो हर के दिल में बसा हुआ है जी। हम पैदा लेते हैं, मरते हैं तब राम कहते हैं, और इसमें सबको खुशी है, जितने हिंदू समाज सनातन धर्म के वालों को या मुस्लिम भी इसका विरोध नहीं कर रहा है, जो आपके अखबार और मीडिया में हम लोग क्या देखते कारण हैं? है जो आपकी जुबान है कमोबेश वही शंकराचार्य जी की जुबान है। नहीं नहीं कमोबेश वही उमा भारती जी भी यही कह रही हैं। उमा भारती जी ने भी श्रेय नाम की चीज बीजेपी के वर्तमान नेताओं को, ये जो उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, जो फिलहाल जो कुछ कह रहे हैं, इनमें से किसी को श्रेय नहीं दिया। उन्होंने भी वही नाम लिए जो आपने लिए। उमा भारती ने भी आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, इन सब के योगदान को याद किया, जेलों के दौर को याद किया। आप भी उस दौर में आप भी याद कर रहे हैं? नहीं, हम याद क्या कर रहे हैं, जो देखा पूरा देश देखा कि किनका योगदान है और कौन इसके लिए संघर्ष कर रहा है, ये तो पूरा देश जानता है। हम लोग तो सबके साथ ही थे, और ये दुखद हमको तो उस समय बड़ी तकलीफ हुई जब आप शिलान्यास कर रहे हैं जी, तो किसी भी इन लोगों को नहीं निमंत्रण दिया कि आप शिलान्यास करने आए। बड़प्पन तो तभी होता कि आप आडवाणी जी से, जोशी जी से, इलोक से शिलान्यास करो। आपकी बात मान तो ली उन्होंने, अब मुख्य यजमान मोदी जी नहीं है। जो इतनी तमाम बातें हुई उसके बाद शंकराचार्य जी ने कही, सब ने कही, अब मोदी जी मुख्य यजमान नहीं है, कोई डॉक्टर मिश्रा जी अब जो है यजमान रहेंगे, सांकेतिक तौर पर, सांकेतिक यजमान के तौर पर मोदी जी खड़े रहेंगे, लेकिन मुख्य यजमान अब डॉक्टर मिश्रा हैं, जो आरएसएस के हैं और आरएसएस के प्रांत कार्यवाह भी रहे हैं वहाँ, और डॉक्टर हैं और किसी परिषद के में, किसी कमेटी में रजिस्ट्रार भी रहे हैं आयुर्वेद परिषद में। वो ठीक है, मगर जो मैदान में थे जी, जिस वो जो पूरा देश जानता है, बना दे किसी को, मगर हम लोग तो नहीं मतलब होंगे। आपका मतलब सक्रिय ये है, अच्छा होता यदि मुरली मनोहर जोशी जी या आडवाणी जी, आडवाणी जी मुख्य यजमान होते। हाँ, मैं आडवाणी जी पूरा देश का भ्रमण किए थे और जगाए पूरा समाज को, इस आंदोलन को धार दिए, तो वैसे लोगों का कराना चाहिए। आप भी उस दौर में साथ रहे थे आडवाणी जी के उस रथ यात्रा में? हाँ बिल्कुल, झारखंड में हम लोग साथ घूमे हैं, हर जगह मीटिंग हम लोग अगुवाई किए हैं मीटिंग को सफल बनाने में, या सब जगह इतना माहौल बन गया था यहाँ कि जाड़े का दिन था, हम आए थे जी। रात को सड़क किनारे 12 बजे 2 बजे गांव की महिलाएं औरतें आग जला जला के, सिल्ली से जब उधर आ रहे थे तो पूरा रोड किनारे आग जला के लोगों का हुजूम, भीड़ जमा रहता था। आपके लिए आसान था ये सब कुछ, क्योंकि जिस दौर में आपने राजनीति में आपने कदम रखा, समाज सेवा में काम रखा, उस दौर में बीजेपी और संघ और इन सब के पास, बीजेपी तो थी नहीं लेकिन आरएसएस या जनसंघ के पास भी पैसा नहीं होता था। आप तब विधायक निर्वाचित हुए, अटल जी जब सांसद या विधायक बने तब के दौर के आप में, दो बार आप जनसंघ से विधायक बने, तो आपने बीजेपी को जन्म होते हुए देखा, राम मंदिर आंदोलन को जन्म होते हुए देखा, उस दौर की यादें कुछ बताएंगे? नहीं देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत किए थे, हमारे यहाँ बहुत आतंक था, जुल्म था कुछ लोगों का, जो कि शोषण बहुत करते थे, तो युवावस्था में हमने देखा कि ये कैसे ठीक होगा, तो हमने शुरुआत किया कि लड़का हो या लड़की सबको स्कूल भेजो, बाल विवाह मत जी करो जी। शराब मत पियो, ये सामाजिक कुरीतियाँ 10-12 चीज़ें लेकर के हम लोग आंदोलन गया। उस समय कोई राजनीति हम नहीं करते थे जी। तो लोगों ने कहा कि आप इतना काम कर रहे हैं, 64-65 से हम लोग ने फिर मजदूर बेल्ट में जहाँ जहाँ शोषण था वो शुरुआत किया, राजनीति से कोई मतलब नहीं था, और तब हम लोगों ने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं जब इतना काम कर रहे हैं, तो फिर 67 में हुआ कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, सभी युवकों में विचार हुआ जी जी। तो फिर हम उस समय केवी सहाय थे यहाँ के मुख्यमंत्री, तो कुछ लोगों ने कहा, उस समय कांग्रेस को जानते थे और राजा रामगढ़ का जो पार्टी जनता साइकिल छाप था जी, उनको जानते थे, और कोई पार्टी को पार्टी से मतलब नहीं था,
तो गए के भी साहे कि हाँ, तो इनकी क्या समाज का काम करते हो? हम कहा रोज जी समाज का काम करते हैं, तो 50,000 रुपया है, जी हम कि नहीं है, तब कैसे चुनाव लड़ेंगे? तो हम लोग को बड़ा भीतर से तकलीफ हुआ कि क्या पैसे वाले ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिर हम लोग सब युवा लोग विचार करके कहें कि नहीं, चुनाव लड़ना है, फिर इंडिपेंडेंट हम चुनाव लड़े। तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो उस समय 10,000 से हार जीत हुआ था, तो हमको आया 7,500। जी तो हम लोग को कोई फील नहीं हुआ, चूँकि कभी चुनाव नहीं लड़े थे। तो हम लोग सोचा कि अगले बार चुनाव लड़ेंगे तो जीतना ही है, अब तो आइडिया हो गया बहुत। उसी बीच में उस समय अभी आपको ये क्या जी जी नाम है कि ब्लॉक प्रमुख बलबीर दत्त जी जी जिंदा हैं, बाकी सीताराम मारू वगैरह तो नहीं रहे। चार पांच लोग होते थे जो जनसंघ में खोजते थे कहाँ कि इसको ज्वाइन करवाना है। तो ये लोग आए और कहे कि आप ऐसा कीजिए, आप फलाने दिन अटल जी आ रहे हैं, आप ज्वाइन कीजिए, आपको अगले बार आप ही को टिकट दिया जाएगा। फिर हम लोग लड़का हम विचार किए, कहें कि ठीक है ऐसा है तो ज्वाइन किया। हम लोग ज्वाइन किए तो हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो 2,500 वोट से आ रहे थे, तो इसीलिए उन लोग सोचा कि लड़के को देंगे तो ठीक अगले बार सीट निकल जाएगा। जी जी फिर हमको दिया, फिर 69 में बाई इलेक्शन हुआ और तब हम 25,000 वोट से जीते। और उसके बीच में 68 में आपको पंचायती राज चुनाव हुआ, तो उसमें हम मुखिया में खड़े हुए, जी और फिर 14 पंचायत था हमारे यहाँ, 14 जगह अपना कैंडिडेट खड़ा किए, तो 12 जगह जीत गए। तो 12 जगह जीत गए तो प्रमुख भी हो गए, मतलब विधायक और प्रमुख आप साथ साथ रहे, साथ साथ रहे। उसके बाद लेकिन सेक्टर लेकिन हैंड कितने पंप लोग होते थे उस समय? जैसे आप जीते हुए थे, अटल जी जीते, दो तो सांसद होते थे, विधायक नहीं, कितने होते थे भारत में उस समय जनसंघ के? उस समय जब हम 91 में जीते थे तो जी 91 में हम लोग 5 लोग यहाँ से गए थे, झारखंड से, बिहार से भी कोई नहीं थे, जी 5 हम लोग जीत के गए थे झारखंड ही से, जनसंघ से जनसंघ नहीं बीजेपी से नहीं, भारत। बीजेपी जब बनी नहीं थी, मैं तब की बात कर रहा हूं, जब पहली बार आप जनसंघ से जीते और हो। उस समय तो जनसंघ से, फिर आपको 72 में बड़े बड़े हस्ती लोग हार गए थे इंदिरा जी के हवा में। फिर ये जनसंघ से बीजेपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब बताते हैं तो जी 72 में लोग कांग्रेस वाले प्रेस्टीज उसको बना लिए थे कि कांके को जीतना है। हम लोग भी सोच रहे थे कि ये हवा में हम लोग भी नहीं जीत पाएंगे, तो उस हवा में भी एक हम ही बड़े बड़े हस्ती लोग हार गए थे, और यहाँ हम कांके से अकेला 6,000 वोट से हम जीते थे। उसके बाद उसको रिजर्व कर दिया। दूसरा क्या बोले? दूसरा मैं कह रहा हूं कि जनसंघ से, जब जनसंघ से आप लोग जीत रहे थे, तो इस बीजेपी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? देखिए, ये अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में जी पार्टी में अटल जी के नेतृत्व, और उन्होंने यह समझ करके किया कि उन्होंने कहा कि जनसंघ उस समय तो और बड़ा कट्टरता था, जी बड़े बड़े बलराज माधव थे, बहुत उग्र भाषण करते थे, तो जी कहा उन्होंने सोचा कि जनसंघ में एक सांप्रदायिक बू आ गया है, और पार्टी ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग हमारा साथ आएं, सब हम जुड़े हैं। जनसंघ में आई है या जो संघ की बात है, मतलब उसमें संघ शब्द था इसलिए अटल जी ने परहेज किया? नहीं, जनसंघ था उस हाँ नाम पर, अब संघ तो जुड़ा ही हुआ था, संघ ही से सब पार्टी बना था, मगर जनसंघ नाम से उनको लगा कि इससे संप्रदाय की बू आता है। हाँ तो सांप्रदायिक बू संघ शब्द से आ रही थी ना, जनता तो अभी भी है पार्टी, वो भारतीय, जब आपने पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी, तो जन तो रखा लेकिन वो संघ हटा दिया, हाँ, तो जो भी हो मतलब बू मान, किससे आ रही थी, उस संघ शब्द से? न जनसंघ से उनका पूरा बात कर रहे जी थे, जी अब जी संघ सब तो अलग नहीं बोले थे, वो जनसंघ से जी बोले। जी अटल जी ने ये कहा था। हाँ, जी गहार उसी पर अब्दुल करीम छगला वो आपको मुख्य अतिथि थे बॉम्बे में जो हुआ, और अटल जी ने सारी बातें कह रहा क्यों हमको नाम चेंज करना पड़ा, और हम चाहते हैं कि सारे समाज के लोगों को, सबको जोड़ के चलें, तभी देश में, उनका ये सोच था। और उसीलिए तो फिर उसी दिन अब्दुल करीम छगला साहब ने कहा कि अटल जी, एक दिन आप देश को संभालोगे, आपका नेतृत्व तो आपके हाथ में आएगा, उस मंच में उन्होंने बोला था। तो कल्पना ये आसान थी कि दो सांसद होते थे, दो सांसद से अटल जी और आडवाणी जी, और हाँ तैयारी कर रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बनने की। हाँ और देखिए, अटल जी का
ना भूतो भविष्य मतलब वो आदमी नहीं होगा जी। अटल जी ऐसे आदमी थे कि उस समय तो अकेला कुछ नहीं थे, तो भी अकेले थे या दो आदमी थे, मगर अटल जी को नेहरू जी भी इज्जत करते थे, इंदिरा गांधी भी इज्जत करते थे, और आपको नरसिंहा राव हुए जी। तो ये जब बीमार पड़े, आप सोच देखिए उस समय क्या था, ये बीमार पड़े तो उन्होंने सोचा कि अटल जी के पास उतना तो विदेश जाके इलाज कराने लायक सक्षम नहीं है जी, इसलिए इनको कुछ बना देते हैं विदेश में, और उसी बहाने वहाँ इनका इलाज होगा, और इनको कुछ बनाए जी, विदेश में रह करके इलाज कर, ये सोच था। जिनेवा सम्मेलन में भेजा इनको। हाँ, जिनेवा सम्मेलन आपको गए थे जी। तो सक्षम व्यक्ति कौन और है, इलाज तो, भी करा के आ गए। हाँ, अटल जी हैं, इसलिए जहाँ भी के सांसद को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भेजा सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से कि सरकार का पक्ष वहां रखो रखो, क्या कांग्रेस में आदमी नहीं थे, मगर इनमें कुछ था तब तो, इनके ये जब मीटिंग होती थी तो चलिए। अब उसके बाद आप लोगों की जब प्लानिंग बनी, जब जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, आप लोगों ने समर्थन दिया उनको। हाँ, आप सांसद थे उस समय। हाँ, ना सांसद थे। आप लोगों ने समर्थन दिया, आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। हाँ, उस दौर में जब मंडल का दौर चला, जब मंडल के खिलाफ एक मंडल कमंडल के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, इससे हाँ, बड़ा आंदोलन था वो, राम मंदिर आंदोलन से भी बड़ा, देश का सबसे बड़ा ज्वार भाटा वाला आंदोलन था। हाँ, आज के दौर में वो सब लोगों को, नए युवाओं को बात मालूम होगी कि नहीं होगी, लेकिन उस देश का सबसे अग्रेसिव आंदोलन था, जिसमें युवाओं ने, पढ़े लिखे युवाओं ने आत्मदाह किए, प्राण दे दिए अपने, सीधे आग लगा रहे थे अपने आप पे, कि स्टूडेंट्स वेयर अंडरस्ट इस बात को लेकर कि ये जो आरक्षण का राग है, इसे समाप्त किया जाए, इस अध्यादेश को वापस लिया जाए और आरक्षण से मुक्त किया जाए भारत को। और उस दौर में आप लोगों ने एक तरह से कहा जाता है कि हाईजैक कर लिया उस आंदोलन को, हाईजैक करके आपने उसे राम मंदिर आंदोलन में तब्दील कर दिया। क्या जरूरत पड़ी थी कि यह माना जाता है कि उस आंदोलन को यदि समाप्त नहीं किया जाता तो आरक्षण इस देश से उसी समय समाप्त हो जाता, लेकिन आपने उस सारे गुस्से को तब्दील कर दिया राम मंदिर पे। ऐसी ये कोई खास रणनीति बनी, क्या हुआ था, कि कैसे प्लानिंग बनी है? अब देखिए ये समय, अब तो राम मंदिर एक अलग मुद्दा था जी, मगर ये जैसे आप कर रहे हैं इस तरह की बात लोगों ने किया कि उस आंदोलन को दबाने के लिए ये राम मंदिर आंदोलन, वो लोगों का कहना था जी, मगर हम लोग तो राम मंदिर, तो राम मंदिर हम लोग तो उस राग पर चल रहे नहीं, लेकिन जिस समय एक देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा हो, देश का अधिसंख्या युवा सड़क पर आ गया हो, प्राण दे रहा हो, उस समय राम मंदिर आंदोलन को छेड़ने के लिए क्या सही समय था? थोड़ा इंतजार किया जा सकता है कि वो मसला निपट जाता फिर, लेकिन आपने वो जो गुस्सा, भड़का हुआ गुस्सा था, उसको तब्दील कर दिया, और तब्दील इसी में नहीं किया, आप ही ने नहीं किया, इसी गुस्से को झारखंड निर्माण आंदोलन में भी तब्दील किया, उत्तराखंड आंदोलन, राज्य निर्माण आंदोलन में भी तब्दील किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में जब बीजेपी ने इसे राम मंदिर में तब्दील किया, तो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने युवाओं को समझा के कि भैया होगा क्या, आप अपने अपने राज्य बना लो और उससे आपको नौकरियां मिल जाएंगी, आपके मार्ग खुल जाएंगे। युवाओं के उस गुस्से को राजनेताओं ने अपने अपने मुताबिक उस समय भटकाया था। नहीं देखिए, जहां तक झारखंड आंदोलन की बात है, ये तो बहुत बरसों से चल रहा था, से उत्तराखंड का भी था और छत्तीसगढ़ का भी था। हाँ, छत्तीसगढ़ सब जगह बरसों से मांग हो रहा था, लेकिन जो अग्रेसिव आंदोलन हुआ वो उसी गुस्से के प्रतिफल है, तभी से जो ज्वार भाटा फूटा था, वो मंडल कमंडल का जो आंदोलन था, जिसमें डिग्री कॉलेज और युवा सड़क पर आ गए थे, उन युवाओं को राज्य निर्माण आंदोलनों में, उन्हीं युवाओं को, उन्हीं महिलाओं को आप लोगों ने, बीजेपी ने मंदिर निर्माण के आंदोलन में तब्दील किया, जो वीपी सिंह और उनके अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर आ रखे थे आरक्षण से मुक्ति दिलाने के लिए भारत को। खैर, हम लोग का जो नेताओं का जो डिसीजन या पार्टी का जो डिसीजन हुआ जी, हम लोग उस आधार पर हम लोग आंदोलन से जुड़े जी, और उसके विरुद्ध में किया गया, ये इंटरनल बात है, क्या सोच के ये नहीं बता सकते हम लोग। हाँ, हम लोग तो आंदोलन, राम जन्मभूमि के आंदोलन पर, और जहाँ तक झारखंड की बात है, ये तीनों राज्य का तो बरसों से मांग हो रही थी, और वो अटल जी ने नहीं, पहले मांग होती थी सिर्फ, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन तभी हुआ। नहीं, आंदोलन उस आंदोलन में जब शहादत हुई, यहाँ शहादत हुई, उत्तराखंड में शहादत हुई, उस आंदोलन की बात हम नहीं कर रहे हैं जी, हम ये झारखंड जो अलग हुआ, झारखंड निर्माण आंदोलन में भी शहादत हुई। हाँ, इसमें भी शहादत हुई, उत्तराखंड निर्माण आंदोलन में भी शहादत हुई। इसको अटल जी बरसों से शहीद लोग हो रहे थे, मगर अटल जी के सरकार थी जहाँ ये घोषणा किया, और उन्होंने इसको दिया झारखंड को अलग राज्य का दर्जा।
अब एक चीज बताइए, अब आपका तय हुआ उस समय कि भाई अब दो सांसद से और 40-50 सांसद आपके उस समय हो गए थे जब आपके समर्थन से सरकार चल रही थी, और वहां से अटल जी को प्रधानमंत्री बनना था, पूरे देश में सरकार बनानी थी, आपको माकूल लगा कि राम मंदिर आंदोलन किया जाए और आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, उसी का प्रतिफल है, उसी यात्रा का प्रतिफल है कि आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। या अटल जी प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी जी की उस रथ यात्रा का ही प्रतिफल है। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि उस रथ यात्रा में, उस राम मंदिर आंदोलन में एक तरह से सहमति तो दी थी अटल जी ने, लेकिन सक्रिय दूरी बना रखी थी सक्रियता से। सक्रियता दूरी, ऐसा क्या था? देखिए, वो बहुत ज्यादा इस सब में एग्रेसिव नहीं होते थे, वो ढंग से मिला करके काम, उनका सोच थोड़ा दूसरे टाइप का था, दूसरे तरह से सोचते थे कि हम प्रेम से सब काम लें, इस तरह का उनका सोच था। मगर आंदोलन में धारदार बनाने में वो तो थे ही अध्यक्ष, मगर इसमें आडवाणी जी का बहुत बड़ा रोल रहा जी। और ये जो उमा भारती, कल्याण सिंह, विनायक कटियार, अनु सिंघल साहब, ये सब अगुवाई किए। ये मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों, लेकिन कहा जाता है ना, अगर रावण नहीं होता तो राम आज जिस रूप में, राम का जो महत्व है वो ना होता, दुर्योधन ना होता तो पांडवों का महत्व नहीं होता, तब महाभारत ही नहीं होता। रावण भी पूर्व जन्म में श्री राम श्री नारायण के द्वारपाल हैं, उनका भी जन्म हुआ था, उन्हीं के सेवक हैं, लेकिन इस जन्म में यदि रावण का जन्म नहीं होता तो राम को जन्म लेना ही नहीं पड़ता। तो क्या अगर आडवाणी जी स्वयं खलनायक, एक भारत के एक वर्ग के लिए खलनायक बनना स्वीकार नहीं करते तो अटल जी देश के नायक नहीं बन पाते? क्या ये सत्य है? नहीं, दोनों में आपस में बात हुई, चलो भाई मैं एक बिरादरी का जो है नायक बन जाता हूं और बाकी बिरादरी का खलनायक बन जाता हूं, तुम सॉफ्ट चेहरा रखो ताकि तुम्हारे नाम पे हम आगे करके तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। नहीं तो जी, देखिए वो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं जी, कुछ तो सॉफ्ट होते हैं, कुछ नरम होते हैं, कुछ कड़क होते हैं, ऐसा तो होता है। जैसे लक्ष्मण जी कड़क थे ना जी, राम जी तो बहुत बहुत बार उनको समझाए डांटे भी वो हर चीज में, तो उसी तरह से आडवाणी जी थोड़ा एग्रेसिव थे और सहमति तो सबका है। अच्छा, जब आप बता रहे थे उस आंदोलन से भाजपा को फायदा भी हुआ, जब आप बता रहे थे कि आपके पास 50,000 रुपये भी नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए, और उसके बाद आपको जनसंघ का प्रत्याशी आप बने, तब पैसे की व्यवस्था हो गई थी? देखिए उस समय पैसे का कोई नहीं, उस समय जनसंघ के पास भी पैसा कहाँ था, वो भी चंदे करता था। तो हम जो चुनाव उस समय लड़े तो 75% बूथ ऐसा होगा वहाँ गांव वाले ही, या जहाँ जहाँ बूथ था कि यहाँ आपको कोई चिंता नहीं करना है, यहाँ जो भी 5-10 रुपया लगेगा हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। उस समय तो बूथ में 5-10 रुपया यही चलता था। तो उसके अलावे बहुत दिन हम लोग रसीद छपा करके, हम तनख्वाहें भी नहीं होती थी विधायकों की उस समय, 250 रुपया तनख्वाह था, 250 रुपये आपकी तनख्वाह थी जब आप पटना में विधायक थे। हाँ, 250 रुपये, और पार्लियामेंट का मेंबर भी हुए तो 5,000 रुपये तनख्वाह था। 5,000 रुपये आपकी तनख्वाह तब थी जब आप सांसद थे। हाँ, तो अटल जी आए तो वो 8,000 की है, तो 2004 से ज्यादा बड़ा है। तो उस समय से हम लोग, अच्छा, तो अब हम लोग कभी पैसे की राजनीति नहीं किया जी जी, ये हमारे जो भी जनता, जो भी कार्यकर्ता रहे, जो भी मतदाता रहे, ईमानदारी से कोई उनको खरीद नहीं सका। उस समय पैसा बंटता था, अब मगर हमारे आदमी बिके नहीं। अब समय हो गया है, आपका सुझाव क्या है? क्योंकि आप शुरू में जो जिक्र कर रहे थे, राम मंदिर का आपने इतना आपका योगदान है, संघ का आपका योगदान है, बीजेपी को बनाने का आपका योगदान है, आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आप आरंभ में कह रहे थे कि जो है मंदिर अधूरा है, अभी नहीं होनी चाहिए, क्या यही आपकी लाइन है? जी हाँ, इसलिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे आचार्यगण इस बात को, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं जी, जो इस मंदिर के सबसे अगुवाई की हैं और ये आंदोलन से पहले से वो लगे हुए हैं जी, तो ये सब सारे मीडिया में भी आ रहा है, सारी बात आ रहे हैं। और एक साधारण आदमी भी सोच सकता है कि गांव में भी एक मंदिर बनाता है तो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसका लोग उद्घाटन नहीं करते हैं, तो ये तो भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं। चलिए, अरे रामनवमी सबसे बढ़िया समय था,
जी राम जन्म उस दिन आप करते। चलिए ये बात सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। एक बात पे विचार हुआ, विचार बनने के बाद जो पहले कार्यक्रम था कि मुख्य यजमान उन्हीं के हाथ से होना, अटल जी के हाथ से, उसको तो हटा दिया गया। अब अटल जी मुख्य यजमान नहीं है, अब किसी डॉक्टर मिश्रा जी के हाथ से जो है ये होना है। अटल जी ने अडवाणी, हाँ अटल जी तो है नहीं, हाँ नहीं नहीं मोदी जी जो है अब मुख्य यजमान नहीं है और मुख्य यजमान अब जो है डॉक्टर मिश्रा होंगे। लेकिन जो दूसरी बात ये कह रहे हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए कि गांव में भी मंदिर बनता है तो जब तक वो पूरा नहीं बनता, उसका छत नहीं बनता, तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। यदि गांव-गांव के आदमी को ये पता है, और ये वो कह रहे हैं जिन्होंने बीजेपी बनाई, ये वो हैं जो अटल जी के साथी थे, ये वो हैं। यदि वो बीजेपी नहीं बनाते तो आज जो बीजेपी सरकार में आज जो मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, वो आज ना मुख्यमंत्री होते ना प्रधानमंत्री होते, ना यजमान बन पाते ना उद्घाटन कर पाते। ये वो रामजी शरण है जिन्होंने जनसंघ से बीजेपी को बनाया था। ये सब लोग यदि ये कह रहे हैं तो इस पर भी विचार करना चाहिए कि मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो, उससे पहले उद्घाटन ही हो जाए, उससे पहले कुछ अन्य चीजें हो जाए, बड़ा कार्यक्रम हो जाए, पॉलिटिकल कार्यक्रम हो जाए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को क्या टाला जा सकता था, जा सकता है। ये विचार है रामजी शरण के, शंकराचार्य जी के। आज फिलहाल आपने अपना सहभागिता दी इस कार्यक्रम में, आपका बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।